हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मेगास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल मसाला मटन। ये बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। इसको बनाने के लिए कोई भी चीज़ हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो आपके पास उपलब्ध है उन्हीं चीज़ों से बन जाएगा। जैसे हमें चाहिए थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, चॉप किया हुआ प्याज, एक कटोरी दही, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, आधा कटा हुआ नींबू। इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने ले लिया आधा किलो मटन। इसको हमने पहले से ही धुल के साफ़ करके रख लिया था। और अब हमने ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को महीन महीन, चाहे तो आप इसको उसमें भी पीस सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में भी आप पीस सकते हैं। मैंने इसको महीन महीन पीस लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून नमक डाल के हम इसको और बिल्कुल महीन महीन पीस लेंगे। अब हम ये जो पीस के रखा था इसको हम मटन में मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें हम ये चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। वन टेबल स्पून अब इसमें हल्दी ऐड कर देंगे हम। अब इसमें हम पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे ऐड किया है। आप चाहें तो इसको इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने इसको। अब इसमें हम दही डाल देंगे। दही आपको फ्रेश लेना है, आप अपने घर पे भी इसको जमा सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको हम दही को। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हमने एक कुकर में तेल लिया है। तेल आप अपने अनुसार रख सकते हैं, अगर आप तेल ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा रखें। हमने 1 कप तेल लिया है। तेल को गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता, इनको भून लेंगे, मसालों को फ्राई कर लेंगे। अब ये मटन हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रखना है इसको आधे घंटे मैरिनेट। अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम आपको मीडियम रखनी है ताकि ये बर्तन में लगे नहीं। आपको इसको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे चलाते रहना है, दही पानी छोड़ता है। चलो
इसका पूरा पानी हमें जला लेना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। ये ध्यान रखना है कि नमक हम इसमें पहले भी डाल चुके हैं। थोड़ा सा मिर्च का पाउडर ऐड करना है। ये देखिए सारा पानी जल गया है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। चला देंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 4 सीटी लगाएंगे। 4 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगानी है। सीटी लग गई है। अब हम ढक्कन खोलेंगे। अब ये देखिए हमारा मटन मसाला बनके तैयार हो चुका है।